نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري. वेलकम टू माई चैनल पैशन बैच बाय अक्सा. कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे. और देखें जी, रमज़ान का जो दूसरा अशरा था वो भी मतलब तेज़ी से ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है. तो 19वां रोज़ा भी आज मुकम्मल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है. और अल्लाह ताला बस हमारी इबादत को और हमारे रोज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन. तो जनाब, ये जो है ये इस टाइम रात का टाइम हुआ हुआ है. और अफ्तारी में ना अब्बू जी जो है मेरे, वो समोसे और पकोड़े वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें ले आए थे. तो जब वो खा ली ना, तो उसके बाद बंदा इतना हैवी, मतलब फिर कुछ और खाना वगैरह तो खाया जाता है ही नहीं है. तो अब्बू अम्मी भी ये कह रहे थे कि हमें भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अब इतनी सारी रात अभी पड़ी हुई है और कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए. तो रोज़ा भी रखा होता है, ज़ाहिर है थोड़ा फिर वीकनेस भी फील हो जाती है. तो मैंने सोचा चलो लाइट से सैंडविचेस बना लेते हैं. और ये मैं अक्सर बना लेती हूँ जब कुछ लाइट सा खाने का दिल चाह रहा हो, या इवन अगर कुछ सालन वगैरह ना हो या कुछ इस तरह का हो, या वैसे भी बना लेती हूँ. तो इसमें कोई ऐसी चीज़ें मैंने बस जो घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वही डाली. जैसे ब्राउन ब्रेड आपको नज़र आ रही है, आप मैंने मेयोनीज़ नीचे लगाई है और साथ मैंने ना मस्टर्ड पेस्ट लगा ली है. आप क्रीम चीज़ भी लगा सकते हैं. इस सैंडविच में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही चीज़ें जाएंगी और यही मस्ट है. बस जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, अगर आपका दिल चाह रहा है तो वो आप कर लें. तो बस जी, मैं भी यही कर रही हूँ. और इसके साथ जो है ना, मेरे पास चीज़ स्लाइसेस हैं, ठीक हो गया. इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है. और साथ में ये कुकम्बर है और टमाटर है, इसको मैं थिन स्लाइसेस में काट लूँगी. और उधर साइड पे चूल्हे पे ग्रिल पैन पड़ा हुआ है मेरा, जिसमें मेरे पास ये कैनन्स की ये फेरी फिंगर्स थी. आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये हो तो भी सैंडविच बनेंगे. आपके पास किसी भी किस्म का कोई लेफ्ट ओवर सालन पड़ा हुआ है, किसी चिकन का, मीट जिसका भी, दो तीन बोटियों का आपने हल्का सा श्रेड किया और इसके अंदर फैला ली और बाकी ये इसी तरह आप प्रोसीजर कर लें. मींस कोई ये सैंडविचेस में ये होता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल, आप उनसे इजीली कुछ भी बना सकते हैं. दोनों खीरा और टमाटर काटने हैं और ये जो बच गए हैं इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इनको मैं रख लूँगी ताकि ये दूसरे सैंडविचेस में यूज़ हो जाएं और या वैसे भी. तो बस ये साथ साथ जनाब साहब ये हो रहा है. चिकन जैसे ही मेरा ग्रिल हो जाता है. अच्छा, वैसे इस बॉक्स के पीछे लिखा हुआ था कि आपने इसको डीप फ्राई करना है, मतलब टू एंड हाफ मिनट्स के लिए. तो मैंने सोचा कि डीप फ्राई मतलब करके क्या करना है, इससे भी गुजारा हो सकता है. तो गुजारा क्या बड़ा अच्छा हो गया जब मैंने मतलब शुरू में मैंने कुछ दफ़ा इसको डीप फ्राई भी किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है. तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. तो वो बस चीज़ों को आप अपने मुताबिक जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो लिखा हुआ है वही करें ऐसे. अच्छा जी, तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे मेयोनीज़ लगा लें, मस्टर्ड पेस्ट लगा लें, ऊपर आप चिकन के पीसीज रख लें और ऊपर जो भी आपके पास खीरा है, टमाटर है, लेटस है, तो आप जो है वो आराम से इस पर लगा सकते हैं. अभी मेरे पास नहीं है तो बस मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनसे बना रही हूँ. इवन आप इसमें बॉयल एग भी, बॉयल एग करके उनके स्लाइसिस करें और वो डालें, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं. तो जनाब बस अच्छा, ये जो मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि मुझे लगता है कि जैसे इसको मैं उठाऊँगी ना तो ये मतलब मॉइस्चर ज़रा सा भी इसमें आ रहा है तो ये फिर जल्दी से टूटना शुरू हो जाती है. तो अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आपने बस ये जल्दी जल्दी से काम कर लेना. तो ये चीज़ स्लाइस है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे
और दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का, और हम इसको अच्छा सा कर लेंगे ग्रिल। और लें जी, हमारा जो बर्गर है मज़ेदार किस्म का ये तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ अब मैं जो बाकी के सैंडविच जो है ना बाकी के भी रेडी कर लूँगी। अच्छा, इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना मस्टर्ड पेस्ट, अगर तो जिनको उसका फ्लेवर पसंद है तो इसकी वजह से ना इतना कोई क्लासी टेस्ट आता है, जैसे कोई ब्रांडेड बर्गर नहीं हम बड़े मज़े का कोई खा रहे होते हैं, मतलब उस तरह का लुक नहीं, मतलब कि टेस्ट उस तरह का आ रहा होता है। तो अगर आप घर में बनाएं ना तो आप भी कोशिश कीजिएगा, या मतलब ट्राई कीजिएगा मस्टर्ड पेस्ट को, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये सैंडविचेस ट्राई किए हैं तो कैसे बने हैं, आपके फैमिली में पसंद आए हैं या नहीं आए। आएंगे, आई एम श्योर कि आएंगे उन्हें, और स्पेशली बच्चों को, बच्चों के लिए तो ये चीज़ इतनी अच्छी है ना कि मतलब बच्चे यूजुअली खाने से भाग रहे होते हैं, और बस आप जल्दी से, और ये इतना क्विक बन जाते हैं ना, मतलब बिल्कुल इजी बन जाते हैं। और बस ये देखें, मेरे हार्डली कोई 10-15 मिनट्स लगे थे, और बन भी जल्दी जाते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं, और इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। आजकल रमज़ान है तो बस एहतियात से खाना पड़ता है कि बस ज़्यादा हैवी ना लगे और लाइट सा ही हो और खाने में टेस्ट भी अच्छा हो इस तरह। तो बस ये आपके साथ बातों में साथ साथ बन रहे हैं सैंडविचेस, और ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्राउन ब्रेड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने एहतियात करनी है कि बहुत जल्दी टूट जाती है, तो बस आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि उठाते हुए या रखते हुए, जैसे मैं अभी एक जो पीस है जिसके ऊपर सारा चीज़ें मैंने रखी हैं वो मैंने पहले कर लिया है, ग्रिल पैन पे रख लिया, और ये मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि मुझे मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने वो रखा और जब मैं उसको टर्न करने लगी तो वो सारे का सारा जो ब्राउन ब्रेड थी वो दोनों ऊपर वाला स्लाइस भी और नीचे वाला वो सारा टूट गया। और साथ ही बस इसके मैं ना चाय रख लेती हूँ, और चाय जो है ना वो हो रहा था ख़त्म इसका डिब्बा, तो अब्बू जी जो है ना ये चाय ले आए। हम लोग लिप्टन ही यूज़ करते हैं हमेशा से ही, मतलब काफ़ी अर्से से, मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई है, काफ़ी अर्से से। तो आपके घर में कौन सी चाय यूज़ होती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और चाय बनाते हुए मैं थोड़ी सी शक्कर डाल लेती हूँ और थोड़ी सी सौंफ डाल लेती हूँ, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी होती है। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक बड़ा मिसहैप हो गया, और जिसकी वजह से मेरा मूड बड़ा ही ज़्यादा ख़राब हो गया। हुआ कुछ यूँ कि मैं फ्रिज में रखने लगी थी कोई चीज़, और फ्रिज में ऑलरेडी पड़ी हुई थी चाय, थोड़ी बच गई थी। और ये जो है ये पिक्चर्स हैं मेरे पिछले व्लॉग की, जिसमें मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टोर करने का और कोरिएंडर और मिंट वगैरह को बताया था कि कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो जनाब, मैं मुझे चाय थोड़ी सी बची थी मैंने रखी फ्रिज में, और मेरा ही हाथ लगा और वो चाय का सारा जो कप था वो सारा का सारा गिर गया, और वो था भी ऊपर वाली शेल्फ पे पड़ा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो चाय का मतलब वो नीचे तक, जो उसकी नीचे वाली बास्केट होती है फ्रिज की, वहाँ तक पहुँच गया। और आप बिलीव करें, मतलब उस टाइम रेस्ट का टाइम था और मुझे इतना झंझट हो गया, मैंने भी सारी शीट्स निकाल के एक दफ़ा धोई सारी साबुन से, उसके बाद मैंने टिशू से अच्छी तरह से साफ़ करके और ये इन सबको दोबारा अरेंज कर लिया। और अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आई नो कि बड़ा मूड ख़राब हो जाता है। और ये बस थोड़ा सा फ्रिज में ऊपर बिस्किट पड़े हुए हैं, ऐसा अंडे हैं नहीं है अभी, वैसे वहाँ अंडों की जगह है, कुछ मेडिसन हैं, और ये जो आब जमज़म पड़ा हुआ है, कुछ ये बेकिंग की चीज़ें हैं, कस्टर्ड है, कस्टर्ड पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, और नीचे ये जो एक इस साइड पे है ये है कॉफ़ी। ये बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है, बस इसमें अपने हॉट वाटर मिक्स करना है, इसमें ड्राई मिल्क और शुगर और कॉफ़ी हर चीज़ मिक्स होती है। आखिरी इसका वो एक रह गया, ये है जनाब चॉकलेट सिरप, और ये वही ये है मस्टर्ड पेस्ट जो अभी मैंने सैंडविचेस में यूज़ किया है। इसके बाद चिकन स्प्रेड है, पीछे थोड़ी केचप्स और मेयोनीज़ वगैरह, इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये पड़ी हुई हैं। तो एक दफ़ा तो मुझे बहुत जहर किस्म की चीज़ लगी कि मुझे अभी इस टाइम फ्रिज साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तारी के बाद इतना मतलब इतना वीकनेस फील हो रही होती है, और बस दिल चाहता है कि जल्दी से खाना खा के बर्तन धोएं, किचन समेटें और बस लेट जाएं और थोड़ा रेस्ट कर लें।
तो उस टाइम तो मुझे बड़ा झंझट लगा, लेकिन जब मेरी दोबारा से एक दफ़ा फ्रिज थोड़ी नीट होगी तो फिर मुझे अच्छा भी लगा। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे पेज को लाइक नहीं किया, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दे इजाज़त, मिलते हैं कल। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।